नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। बलिया के दुभड़ थाना क्षेत्र के थानाध्यक्ष राजकुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में थानाध्यक्ष राजकुमार चुनाव नतीजों से पहले ही बीजेपी प्रत्याशी दयाशंकर सिंह को कैबिनेट मंत्री बनने की शुभकामनाएं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता दयाशंकर सिंह को चुनाव नतीजों से पहले ही कैबिनेट मंत्री बनने की शुभकामनाएं देते हुए एसएचओ साहब वीडियो में नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि जैसे ही दयाशंकर सिंह की कार सामने में आकर थोड़ी धीमी होती है, वैसे ही एसएचओ सामने से आते हैं और कहते हैं, मैं सर आपका थानाध्यक्ष हूँ, कैबिनेट मंत्री की शुभकामनाएं देते हुए आपको स्कॉर्ट करते हुए चल रहा हूं। इसके बाद दुभड़ के थानाध्यक्ष राजकुमार का ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ये वीडियो 2 मार्च का बताया जा रहा है और दुभड़ थाना क्षेत्र का ही है। जानकारी के मुताबिक दयाशंकर सिंह एक मित्र के पिता के निधन पर पहुंचे थे, जहां पर वो अपने साथियों के साथ पहुंचे थे। उसी समय कुछ लोगों से विवाद हुआ। ये वीडियो उसी समय का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि दयाशंकर सिंह बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। दयाशंकर सिंह मूल रूप से बिहार के बक्सर के रहने वाले हैं, जो बलिया से सटा हुआ है। अपनी पढ़ाई लिखाई और शुरुआती राजनीति बलिया से ही शुरू की थी। वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले में जांच सीओ सदर को सौंपी गई है। आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए गए हैं। बलिया पुलिस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा गया है, क्षेत्राधिकारी नगर को जांच आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।